गढ़ो, अहंकार जानते हो क्या होता है? बाबा, बाबा जब से मैं आपकी शरण में आया हूं तब से मेरे अंदर का अहंकार चूर चूर हो गया है बाबा। इसीलिए तो मैं कहता हूं, अहंकार जंग की तरह है, जो लोहा उत्पन्न करता है और वही जंग लोहे को खा जाता है। उसी तरह अभिमान इंसान पैदा करता है और वही अभिमान इंसान को खा जाता है। इस अभिमान से जो शख्स दूर हो जाता है और ईश्वर की शरण में चला जाता है, वह अपने आप ही परमार्थ को सार्थक होता है। आप धन्य हो बाबा, आप धन्य हो। जो भी आपके चरण में आएगा, आपके चरणों का दास बनेगा, उसे और कुछ करने की जरूरत ही क्या है बाबा। मैंने तो अपनी नौकरी छोड़कर आपकी नौकरी इसलिए पकड़ी है कि मुझे इस नौकरी में आपके गुणगान करने में बड़ा आनंद आता है बाबा, और मैं अपने जीवन को धन्य मानने लगा हूं बाबा। मुझे वरदान दो बाबा, मुझे आशीर्वाद दो बाबा, कि हर जन्म में मैं आपकी ही सेवा करता रहूं और आपके ही गुणगान गाता रहूं बाबा। गणो, अब से साईं को दास गणों की रचनाओं में लोग जानेंगे, पहचानेंगे, और दास गणों तुम्हारा नाम मेरे नाम के साथ युगों युगों तक रहेगा। कर चरण कृतुवा कायलम कर्म जौवा श्रवण नयन जौवा मान संवा पराधम विदितम विदितम्वा सर्वमेध क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री प्रभो साईनाथ, श्री प्रभो साईनाथ, श्री प्रभो साईनाथ। नमे कर्म फले स्वहा, अच्छा कर्म करो अच्छी तरक्की होगी। अल्लाह मालिक है, सबका मालिक एक है।